कल कांकेर में 5 घंटे तक चले ऑपरेशन में बीएसएफ और डीआरजी के जवानों ने मिलकर 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। आज इस ऑपरेशन से जुड़ी कई ताजा तस्वीरें आई हैं। पुलिस का दावा है कि चुनाव के दौरान राज्य में किसी बड़ी हिंसा को अंजाम देने की फिराक में थे। यह एनकाउंटर ऐसे वक्त में हुआ है जब पहले चरण की वोटिंग में 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस ऑपरेशन पर एक हैरतअंगेज बयान देकर हलचल पैदा कर दी है। भूपेश बघेल ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को फर्जी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों को खासतौर पर परेशान किया जा रहा है। पिछले 4 महीने में वो प्रति काउंटर भी उसमें भी वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में प्रति काउंटर होता रहा, गिरफ्तारियाँ हुई है, अभी पिछले 4 महीने में वो प्रति काउंटर भी उसमें भी वृद्धि हुई है। कांकेर के जंगलों में कल शाम करीब 7 बजे नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म हुआ है। 12 घंटे के अंदर भूपेश बघेल ने सवाल भी उठा दिया, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके मायने भी आपको बताएंगे। पहले ये वीडियो रिपोर्ट। कांकेर के इन्हीं जंगलों में खुफिया इनपुट के आधार पर कल दोपहर सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस का दावा है कि नक्सलियों को इस ऑपरेशन की भनक लग गई और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की। घंटों तक गोलियों की गूंज से पूरा इलाका थर्राता रहा, लेकिन नक्सलियों को फोर्स के आने का पता कैसे चला, ये सुनिए। हम लोग को अंदाजा नहीं था कि नक्सली हमारे ऊपर पहले फायरिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग सोचे कि हम लोग जाएंगे तो अच्छे से उसको सरेंडर कराएंगे, सरेंडर कराने के लिए बोलेंगे, लेकिन नक्सली पहले ही उनको आइडिया हो गया था, क्योंकि अभी पत्ता पूरा सूखा हुआ है, तो अगर 150, 200, 300 फोर्स अगर चल रही है तो पूरा दूर तक बैठने आदमी को भी पत्ता सूखा रहता है, बांस का जंगल है, तो पता चल जाता है कि फोर्स आ रही। पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ में सीनियर कमांडर शंकर राव समेत 2 दर्जन से ज्यादा नक्सली मारे गए, जिनमें 15 महिलाएं हैं। हमारी दोनों टीमें डीआरजी और बीएसएफ दोनों बहुत अच्छा तरीके से आपस में समन्वय बिठा के ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। पुलिस ने मारे गए नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया। इनमें AK-47 और राइफल समेत कई राउंड कारतूस है। पुलिस को शक है कि ये सुरक्षा बल से लूटे हुए वेपन हो सकते हैं। 47 SLR इंसास, 303 कार्बाइन, 9mm पिस्टल, इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स रिकवर हुआ थे। आमतौर पर ये सब जो सीनियर माओवादी कैडर्स या PLG फॉर्मेशंस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले वेपन्स है। शायद ये पुराना किसी न किसी घटना में सुरक्षा बल से भी लूटा हुआ हथियार लग रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस कह रही है कि सभी 29 लोग हार्डकोर नक्सली थे। लाल आतंक पर छत्तीसगढ़ में ये बहुत बड़ा प्रहार था। जिस तरह के आधुनिक हथियार मिले हैं वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। नक्सलियों से 22 हथियार बरामद हुए हैं। इनमें AK-47 की संख्या 5 है, 9mm की 2 पिस्टल बरामद हुई हैं, 15 LMG, ये बहुत बड़ा प्रोक्योरमेंट है, क्योंकि किस तरीके से ये बेसिकली आर्मी या पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास होती हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में गोलियां जब्त की गई हैं। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। कांकेर में इस साल की ये सबसे बड़ी मुठभेड़ है। बीते 3 महीनों में वहां जो भी एनकाउंटर हुए हैं उनमें करीब 1 तो कभी 3 नक्सली मारे गए। इस बार तादाद बहुत ज्यादा है, माहौल चुनावी है। ऐसे में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने करीब गंभीर आरोप लगाया। उनके इस बयान पर आज दिन भर सियासत भी गर्म रही। भूपेश बघेल का आरोप है कि कांग्रेस के शासन में भी नक्सलियों के खिलाफ एक्शन हुआ, लेकिन बीजेपी राज में फर्जी मुठभेड़ होती है। बघेल ने सवाल उठाया तो शिवराज सिंह चौहान ने उनको जवाब दिया। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी कोई कार्रवाई हमारे सुरक्षा बल करते हैं तब कांग्रेस ऐसे सवाल उठा के आतंक फैलाने वालों का साथ देती है।
ये कांग्रेस के डीएनए में ही है। बीजेपी ने जवाब जरूर दिया, लेकिन भूपेश बघेल का कहना है कि वो फर्जी मुठभेड़ का सबूत भी देने के लिए तैयार है। इसके पहले जो हुआ, जो बताया वो नक्सली नहीं थे, उसको मारा गया, एक कांकेर में हुआ है, उसके परिवार के लोग आए थे, उनके पास आधार कार्ड सब है, और कितने उदाहरण चाहिए उनको फर्जी मुठभेड़ के, रमन सिंह के कार्यकाल के और अभी के भी। कि 2018 में जो नक्सलवाद एक छोटे से हिस्से में सिमट गया था, 5 सालों में वो फिर कैसे शहरों तक आ गए थे, ये बस्तर की जनता ने, प्रदेश की जनता ने देखा है। भूपेश बघेल ने सवाल उठाया तो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले में जांच की मांग उठा दी। अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो स्थिति स्पष्ट सरकार को करनी चाहिए कि 29 के 29 आदिवासी नहीं नक्सली है। सभी वर्दीधारी नक्सली थे, हार्डकोर नक्सली थे, बड़ा असला उनसे बरामद हुआ है। इन आरोपों का आधार क्या है, सच क्या है, इसका पता तो जांच से ही चलेगा, लेकिन इतना तय है कि चुनावी माहौल में ये मुद्दा गरमाने वाला है। अगर आप भूपेश बघेल या छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर गौर करें तो दोनों ने नक्सलियों का मुद्दा उठाते हुए आदिवासियों का जिक्र किया है। वो पूछ रहे हैं कि सरकार बताए कि वो नक्सली थे या आदिवासी। उनका आरोप है पुलिस आदिवासियों को डरा रही है। सवाल है कि भूपेश बघेल जो कुछ दिन पहले तक सूबे के सीएम थे और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को आदिवासियों से क्यों जोड़ रहे हैं। चलिए इसका गणित समझते हैं। देश में आदिवासी आबादी करीब 10.5 करोड़ है, जिनमें सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में 31%, झारखंड में 26%, ओडिशा में 23% और मध्य प्रदेश में 21% यहां पर है। अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां के 10 जिले ऐसे हैं जहां आदिवासी समुदाय के वोट जीत और हार में निर्णायक है। इनमें बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोडागांव, सुकमा, राजनांदगांव शामिल है। अगर इन इलाकों में आदिवासी समुदाय की बात करें तो बस्तर में करीब 66%, बीजापुर में 48%, कांकेर में 25%, दंतेवाड़ा में 37%, सुकमा में करीब 74% और राजनांदगांव में 26%। आपको बता दें कि भूपेश बघेल राजनांदगांव से ही चुनाव मैदान में, बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि ये बयान क्यों है।